हेलो एवरीवन, सबसे पहले अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे भाई। सबसे पहले अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे और मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है कि बहुत सारे इलेक्ट्रोड हमारे पास हैं। ये लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं, थोड़ा सा रिव्यू में बता। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक सीरीज है जिसमें इलेक्ट्रोड जो होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे हम उन सारे इलेक्ट्रोड्स को अरेंज करते हैं और एक जो सीरीज हमारे है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहले हम ये बात करते हैं कि भाई केमिस्ट्री में इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बनाने का हमें फायदा क्या है, क्यों बनाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसलिए यहां पे हेडिंग है पहले रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स में क्या है। देखिए यहां पे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा होता है -0.76 वोल्ट और कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा होता है +0.34 वोल्ट। केवल आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखना है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेसर होता है, कम होता है, स्मॉलर होता है, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। मैंने आपको टाइम बताया भी था, यदि आप जिंक और कॉपर में जानते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, किस बेसिस पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से है, दैट्स व्हाई जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख के हम किसी भी मेटल्स में उनको रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, हमने लास्ट टाइम क्वेश्चंस में किया था। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है फिजिबिलिटी ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन मतलब है कि जो रिडॉक्स रिएक्शन हम सोच रहे हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं, इस बारे में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प ले सकते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे हम दो रिएक्शन यहाँ पे कंसिडर करते हैं, दूसरी हम कॉपर और जिंक सल्फेट की रिएक्शन कराते हैं। देखिए पहला वाला जो एप्लीकेशन है उसको दूसरे वाले एप्लीकेशन के साथ आप रिलेट कर दें। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, मींस ये जो रिएक्शन यहां पे हुई ये रिएक्शन फिजिबल है, दिस रिएक्शन इज फिजिबल। कहां से समझ आया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से समझ आया, क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक का इलेक्ट्रोशियल कॉपर से लेसर है, इसलिए जिंक कॉपर को और जिंक सल्फेट के अगर रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक से ज्यादा है, इसलिए यहां पे नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, वो एप्लीकेशन की बात हुई। थर्ड एप्लीकेशन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम सॉल्यूशन। यही बात है थर्ड एप्लीकेशन में, कहने का तरीका केवल आपका बदला है, आपको समझ आ जाएगा कि वो मेटल किसी दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फ्रॉम द डेटा ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो फिजिबल होगी या नहीं होगी, रिडॉक्स रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, फोर्थ डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल्स।
from salt solutions. Displacement of hydrogen by metals from salt solutions. तो यहां जो कोई मेटल है वो मेटल किसी एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम बता सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें बताती है मेनली कि कौन मेटल ज्यादा एक्टिव है, और इसको हम मेटल मेटल में कंपैरिजन कर सकते हैं और इसको हम के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देखिए, जब मैंने आपको इसके बारे में बात बताई थी, यहां से आप पकड़ लेना, हिंट है ये हाइड्रोजन और जिंक और यहां पे कॉपर। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 वोल्ट, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट और कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +0.34 वोल्ट। वापस देख, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से कुछ डाटा मैंने यहां उठाया। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 वोल्ट और कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब जो एसिडिक सॉल्यूशन हमारे पास होगा, मेटल वहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा, ये हमको देखना है। तो आप ध्यान से सुनो क्या कहता हूं। हाइड्रोजन भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बिल्कुल बीच में आता है। हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल लाई करते हैं उन मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है, लाइक जिंक मेटल, और जो हाइड्रोजन के नीचे मेटल होते हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, लाइक कॉपर। तो एक स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल आएंगे वो मेटल एसिडिक सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे। जैसे कि आपको पता है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक की रिएक्शन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो जिंक डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन। क्या होती है रिएक्शन, यहां सल्फेट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। यह हुआ कि जिंक H2SO4 के सॉल्यूशन से हाइड्रोजन का पोटेंशियल हाइड्रोजन से लेसर है, नेगेटिव है, ज्यादा रिएक्टिव होगा। जबकि यहां कॉपर की बात करें तो हाइड्रोजन के हाइड्रोजन में कॉपर का इलेक्ट्रो पोटेंशियल ज्यादा है, कॉपर हाइड्रोजन से लाई करते हैं, इसलिए कॉपर कभी सुनो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, कॉपर कभी एसिडिक सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉपर और HCl की रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो रिएक्शन नहीं होती, कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन को HCl के सॉल्यूशन से H2SO4 के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाता। अगर हम यहां कॉपर की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं, HNO3 के साथ कराते हैं, तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये हाइड्रोजन की वजह से नहीं हुआ, ये वहां पे जो नाइट्रेट आयन एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं उन नाइट्रेट आयन की वजह से होता है। तो यहां में आए दूर लेके बैठ, एक एप्लीकेशन यहां पे है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, कैलकुलेशन नॉट सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए किसी भी दो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहां मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको समझ में आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर से मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है और कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +0.34 वोल्ट है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डाटा आपने दिया, दो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने देख लिए, तो आप उनकी हेल्प से ई नॉट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको समझाया है, और इसके लिए मैंने आपको बताया
कि जो ई नॉन सेल हम यहां पे निकालते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो हम यहां पे निकालते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको माइनस कर देते हैं। इस पे मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराया है, लास्ट वीडियोस आप देख लीजिए, हां वहां से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होंगे तो वहां पे हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। बात समझ में आ गई। अब इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, वहां आता है, इसके लिए हम बात करते हैं। तो ये हेडिंग है हमारी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल पोटेंशियल्स। फैक्टर्स affecting cell potential, और यहां पे जो एक important relation आप पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं Nernst equation, इसकी बात भी हम यहां पे करेंगे। Nernst equation, तो देखिए सबसे पहले वो factors हम देख लेते हैं, इनके बारे में भी हमारी थोड़ी सी बात हुई है। सेल पोटेंशियल, देखिए मैंने आपको बताया था ई नॉट सेल जो हमारा होता है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किन कंडीशंस में होता है? पहला, जो सॉल्यूशन आपने लिए दोनों उसमें उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो। दूसरा, जो टेम्परेचर है वो आपका 2.8 केल्विन हो। और तीसरा, जो आप प्रेशर है वहां पे, जिस प्रेशर पे आप अपने सेल का फंक्शन देखना चाहते हैं, वो प्रेशर, दैट प्रेशर शुड बी 1 atm। अगर इसे फुलफिल करती है कोई भी सेल तो जो सेल पोटेंशियल आएगा दैट विल बी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। लेकिन अगर कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, यानी कि कौन फैक्टर्स हैं जो सेल पोटेंशियल को, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को चेंज कर देंगे, वो फैक्टर्स यहां पे हम बात करते हैं। तो देखिए पहला जो फैक्टर है वो फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कि जो मेटल आपने लिया, जैसे मेटल टू मेटल चीजें आएंगी, यानी कि मेटल को चेंज करेंगे आप तो जो सेल पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे सेल पोटेंशियल डिपेंड करता है। दूसरी जो चीज है वो है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कौन सी? जो सॉल्यूशंस आपने लिए उनकी कॉन्सेंट्रेशन अगर वैरी करती है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप अगर कॉन्सेंट्रेशन वैरी करनी है तो फिर जो सेल है उसका पोटेंशियल चेंज जाएगा। और तीसरा जो फैक्टर है वो फैक्टर है टेम्परेचर। ये तीन फैक्टर हैं जो किसी सेल के पोटेंशियल के लिए रेस्पॉन्सिबल। हमको सेल का पोटेंशियल ज्यादा चाहिए, हमको सेल का पोटेंशियल कम, आप इन फैक्टर्स में चेंज कर दीजिए। कैसे करेंगे? देखिए ये जो फैक्टर, इस फैक्टर को तो आप फोल्ड कर लें, ये तो आपको 298 केल्विन रखना, 298 केल्विन। जनरली जो भी सेल फंक्शन करती है, जो सेल मोबाइल में है, जो सेल हमारे लैपटॉप में है, जो सेल हमारे रिमोट में है, वो सब इसी टेम्परेचर पे, या जो सेल फंक्शन कराते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हम चेंज कर सकते हैं। देखिए आपने घर में देखा होगा जो हमारा इन्वर्टर होता है, जो उसकी बैटरी होती है, जब उससे हमें बैकअप, हम उन सॉल्यूशंस का क्या करते हैं, उसमें एक लिक्विड लाके मार्केट से वो मिलाते हैं, यानी कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने पे जो सेल पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है।
और जो इलेक्ट्रोड है यानी कि आपने जो इलेक्ट्रोड्स यूज किए सेल के अंदर बैटरी के अंदर वो किस मेटल के आप यूज कर रहे हैं इस चीज पे भी डिपेंड करती हैं चीजें कि आपको सेल पोटेंशियल कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो किसी भी सेल का पोटेंशियल चेंज कर देती हैं। आप देखिए यहाँ पे बात आती है कि जो हमारी सेल है वो किस कंडीशंस में काम कर रही है और उसका सेल पोटेंशियल क्या है, यानी कि इन कंडीशंस में अगर हम चेंज करते हैं टेम्परेचर करते हैं सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं इलेक्ट्रोड चेंज करते हैं तो सेल हमें मिलेगी नई सेल जो मिलेगी उस सेल का पोटेंशियल कितना होगा हम नर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट कर पाते हैं। हर बार स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है और सपोज हमने मेंटेन कर भी ली तो उनसे क्या होगा भाई आपके पास डैनियल सेल फॉर एग्जांपल आपके पास डैनियल सेल अब डैनियल सेल आप स्टैंडर्ड कंडीशन में रन करा रहे हैं जस्ट फॉर एग्जांपल तो आपको वोल्टेज कितना मिलेगा ई नोट सेल कितना होता है 1.1 वोल्ट होता है डैनियल सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना होता है 1.1 वोल्ट होता है। अब 1.1 वोल्ट से तो आपका मोबाइल भी चार्ज नहीं होगा तो फिर आपको क्या चाहिए ज्यादा पोटेंशियल चाहिए सेल से ज्यादा आउटपुट चाहिए सेल का बैकअप ज्यादा चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको उन तीन फैक्टर्स में यानी कि आपको इलेक्ट्रोड चेंज करना पड़ेगा। आप इलेक्ट्रोड चेंज कर सकते हैं आप सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हैं आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। अब देखिए टेम्परेचर वाला जो फैक्टर है ये तो अपने हाथ में है नहीं कर लीजिए या सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर लीजिए। सपोज आपने सेल में कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी तो नया सेल बना नई कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो सेल आया उसका पोटेंशियल कितना ठीक है इसमें आपकी हेल्प करती है नर्स्ट इक्वेशन। आपने इलेक्ट्रोड चेंज करके आप कहते हैं दो इलेक्ट्रोड जिंक और कॉपर वाला मुझे नहीं चाहिए सिल्वर वाला चाहिए निकिल वाला चाहिए मुझे दो इलेक्ट्रोड चाहिए एक निकिल और एक तो इनसे जो सेल बनेगी उसका सेल पोटेंशियल आपको कैसे समझ में आएगा इसके लिए आपको नर्स्ट इक्वेशन यूज करनी होती है। तो बात समझ में आ गई नर्स्ट इक्वेशन का फंक्शन समझ में आ गया नर्स्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन समझ में आ गई। क्यों पढ़ते हैं नर्स्ट इक्वेशन क्योंकि जब सेल की कॉन्सेंट्रेशन जब सेल में इलेक्ट्रोड चेंज कर दी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कितनी बड़ी है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप कोई भी दो इलेक्ट्रोड उठा के सेल बना सकते फिर आपको कैसे समझ में आएगा कि जो करंट हमको मिलेगा उसको वो क्या होता है वो सेल पोटेंशियल होता है कैसे निकालेंगे आप नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे। तो अब हम जो बात करते हैं यहां पे वो नर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है नर्स्ट इक्वेशन एक्चुअली है क्या बहुत देर से मैं नर्स्ट इक्वेशन कह ही रहा हूं लेकिन ये नर्स्ट इक्वेशन है क्या इसको हम समझते हैं। तो इसके लिए आप डैनियल सेल की इक्वेशन लिख लीजिए जो डैनियल सेल रिएक्शन होती है ये होती है आपकी Zn Cu2 प्लस और यहाँ पे Zn2 प्लस Cu ठीक है ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन से आप नर्स्ट सेल सीखें और किसी भी सेल के लिए रिएक्शन बना के उस नर्स्ट इक्वेशन को आप अप्लाई करें। ठीक है तो नर्स्ट इक्वेशन में क्या निकालते हैं आप पोटेंशियल निकालते हैं ई सेल निकालते हैं तो ई सेल क्या होते हैं cell potential at any concentration of the solutions which are used the cell at different electrode for different electrodes jo cell potential hota hai usko hum e cell kehte hain to e cell e not cell jo cell ka standard potential hoga wo yahan pe likhna hai aur yahan pe likhna hai aap अब यहां इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी ये इक्वेशन जो सेल रिएक्शन है सेल इक्वेशन है तो इसमें क्या करते हैं देखो यहां जो प्रोडक्ट साइड है उनकी कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं Zn2 प्लस और यहां कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन कॉपर कॉन्सेंट्रेशन ओवर यहां रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं जो भी टर्म्स रिएक्टेंट है जो भी रिएक्टेंट्स यहां पे यूज हुए हैं उन सबकी कॉन्सेंट्रेशन देखिए उसमें यूज हुए हैं तो स्टैंडर्ड स्टेट में यूज होने वाली चीजों की जो कॉन्सेंट्रेशन है उनको हम यूनिटी कंसीडर करते हैं। तो नई इक्वेशन फॉर डैनियल सेल क्या आती है ई सेल इक्वल
ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी ओवर एन एफ, और यहां पे आपका कॉपर आयन हो गया वन, जिंक सॉरी कॉपर हो गया वन, जिंक हो गया वन, तो यहां पे रहा जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन और ये रहा आपका कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए आप ये जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस यूज इन द इन योर सेल। तो यहां पे अगर जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन आप चेंज करते हैं तो आप इस इक्वेशन को देखो, आपका जो सेल पोटेंशियल है, आपकी जो सेल है उसका जो पोटेंशियल दैट इज ई सेल है, वो चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा ना। तो किस कॉन्सेंट्रेशन पे क्या सेल पोटेंशियल मिलेगा, यही सिग्निफिकेंस है नर्स्ट इक्वेशन का, और इसीलिए यहां से मोस्ट ऑफ द हर बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अभी चीजों को, क्योंकि ये देखो ये भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे R यूज हुआ है, और R क्या होता है भाई, R क्या है, किस टेम्परेचर पे आपकी सेल फंक्शन कर रही है, रूम टेम्परेचर पे 298 केल्विन, और F क्या आपका फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 965 कूलम, और N क्या है आपका, देखिए N हर सेल रिएक्शन के लिए चेंज होगा, F की वैल्यू फिक्स है, T की वैल्यू फिक्स है, 2.303 कांस्टेंट हो गया, N की जनरली चेंज हो जाती है, तो N क्या है, नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन। अब इस इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं, तो N की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे एक्सचेंज हुए हैं। जिंक से जिंक आयन बना 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर आयन से कॉपर आयन बना, कॉपर बना 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इस वाले सेल के लिए, 2। तो इस तरह से जब आप इलेक्ट्रोड चेंज करते हैं तो N की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब अगर ये वाली जो चीजें हैं, जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको हम यहां अप्लाई करें तो जो नेक्स्ट इक्वेशन आपको मिलेगी वो मिलेगी E cell equals E not cell minus 0.0591 divided by N। देखिए ये सब कुछ आपने कैलकुलेट किया, 2.303 क्या है, ठीक है, तो ये वैल्यू जो आती है यहाँ पे 0.091 आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, वैल्यू फिक्स है, आपको याद रखनी है, और N हर किसी के लिए हो जाएगी, तो यहाँ पे Zn2 plus और यहाँ पे Cu2 plus। ये हम डैनियल सेल की बात करते हैं, जब हम डैनियल सेल के लिए बात करें तो डैनियल सेल के लिए ये नष्ट इक्वेशन हो जाती है, लेकिन हर बार डैनियल सेल से तो वोल्टेज नहीं लेना ना आपको, आपको करंट हर बार डैनियल सेल से नहीं चाहिए। अब डैनियल सेल से अगर हर बार नहीं चाहिए करंट, तो फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पे कुछ चेंज कर लें, क्योंकि ये आयन चेंज होगा, ये आयन चेंज होगा, जब सॉल्यूशन चेंज होंगे, इलेक्ट्रोड चेंज होंगे, तो चीजें यहाँ पे चेंज होंगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो जो नेक्स्ट इक्वेशन आपको यूज करनी है फाइनली, वो आपकी ये हो जाती है, E cell equals E not cell minus 0.0591 divided by N log of। अब ये जिंक आयन है, ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, तो यहां पे लिखो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म उसकी कॉन्सेंट्रेशन, और कॉपर आयन क्या है, ये देखो रिड्यूस फॉर्म है, रिएक्टेंट वाला है, तो यहां पे लिख दो आप रिड्यूस फॉर्म और इनकी कॉन्सेंट्रेशन, और इस तरह से आप नेक्स्ट इक्वेशन को यूज करके किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे किन्हीं भी दो इलेक्ट्रोड जो सेल में यूज हुए हैं उनके लिए उस सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट इक्वेशन का सिग्निफिकेंस है। एक क्वेश्चन देखो मैं यहां पे आपको कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें नेक्स्ट इक्वेशन हम यूज करें, नेक्स्ट इक्वेशन हमारी यूज होती है, क्वेश्चन में डिक्टेट करूंगा, आप लिख पाते हैं वेल एंड गुड, और अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब वीडियो अपलोड हो जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो क्वेश्चन आपको दे दूंगा, वहां से आप वो क्वेश्चन देख के फिर से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है,
की बात करते हैं नर्स्ट इक्वेशन के लिए, चलो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द सेल दैट इज सेल पोटेंशियल, कैलकुलेट सेल पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द सेल। तो आपको क्या करना है भाई, ई सेल निकालना है। सबसे पहली बात तो ये है, नेक्स्ट इक्वेशन में यही करते हैं हम। टेम्परेचर 298 केल्विन दी, केल्विन दी है, सेल कौन सी दी है, सेल आपके लिए ये गिवन है Zn, Zn2+, और यहां Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m, यहां सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा Sn2+ और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.001 m, और यहां पे आ जाएगा आपका Sn सॉलिड। ठीक है, ये जिंक भी आपका सॉलिड होता है। क्या क्या गिवन है आपको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन, तो गिवन दैट E नॉट फॉर जिंक इलेक्ट्रोड क्या होगा आपका, ये हो जाएगा -0.76। सब तो याद होगा, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद हो गया होगा ना, याद कर लो भाई, जिंक और कॉपर याद कर लो आप। और टिन के लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना गिवन है भाई, इसमें आपका -0.14 वोल्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, तो ये डेटा हो गया। तो अब आपको क्या करना है, एफ की वैल्यू आपको पता है, टी की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू आपको पता है, नेक्स्ट इक्वेशन यूज करते हुए आपको इस सेल के लिए क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है, ई सेल बताना है। ठीक है, तो ई सेल बताने के लिए आप ये सेल देखो, सबसे पहले ये जो देखो जिंक वाला इलेक्ट्रोड है ये आपका एनोड का काम करेगा, ये जो टिन वाला इलेक्ट्रोड है ये आपका कैथोड का काम करेगा। तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, यहां इस सेल के लिए एनोड पे रिएक्शन होगी जिंक टू जिंक आयन, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पे रिएक्शन होती है Sn2+, रिड्यूस हो जाता है Sn में, दोनों को जोड़ देंगे तो नेक्स्ट सेल रिएक्शन आ जाएगी, सेल रिएक्शन आ गया Zn प्लस Sn2+, और इधर आपका Zn2+ प्लस। ठीक है, ये नेक्स्ट सेल रिएक्शन होगी, ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन में इसकी पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है आपको सेल गिवन, सेल से आपने एनोड वाली इक्वेशन लिखी, कैथोड वाली इक्वेशन लिखी, दोनों को ऐड कर दी, दोनों को ऐड करने पे नेट सेल रिएक्शन आ जाती है। अब नेक्स्ट इक्वेशन यहां अप्लाई करते हैं, ई सेल इक्वल्स ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ, लॉग ऑफ ऑक्सीडाइज फॉर्म कौन सी है, Zn2+, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ओवर Sn2+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। Sn और जिंक क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में अपने यूज हुए हैं, सॉलिड स्टेट में यूज हुए हैं, इसलिए यहां पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो जाती है, वन हो जाती है। तो अब यहां पे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको ई नॉट सेल चाहिए, अब ई नॉट सेल तो दिया नहीं आपको, आपको तो स्टैंडर्ड सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से आप क्या निकालते हैं, E नॉट सेल निकालते हैं। अब देखो E नॉट सेल के लिए क्या करेंगे आप, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, कैथोड हमारा ये था टिन वाला और जिंक वाला हमारा एनोड था, तो आप क्या करें -0.14 -0.76। समझ आया, ये हो गया हमारा E नॉट कैथोड 0.0591 डिवाइडेड बाय n, क्या है टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, देखो जिंक से जिंक आयन बनेगा तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Sn2+ से Sn बनेगा दो
गेन करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, टू, तो वैल्यू हो गई आपकी टू। लॉग ऑफ जिंक कंसंट्रेशन कितनी गिवन है भाई, 0.1, और SN9 कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.001, ठीक है, ये कंसंट्रेशन आ गई। अभी सारी वैल्यूज आपके पास हैं, बस आप सॉल्व कर लीजिए। तो E0 सेल कितना आएगा यहां से, ये आ जाएगा -0.14 +0.76, कितना आता है, ये आता है 6 माइनस 4 आ गया 2716.0, तो ये 0.62 आ गया भाई। 0.74 से 0.14 को, सॉरी 0.76 से 0.14 को माइनस करेंगे तो 0.62 आएगा, ये आ गया। तो यहां पे मैं यूज कर लेता हूं 0.62 माइनस, अब 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, ये आता है आपका 0.0251। भाई नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ये 0.0291 आ जाता है, ठीक है, सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखो आप, ये 0.3 डिजिट्स और ये 0.1 डिजिट, तो दो डिजिट और बढ़ा लो और पॉइंट से पॉइंट हटा लो, तो आ गया 100 बाई 1 लॉग ऑफ 100 बाई 1, ठीक है। 100 बाई 1 का मतलब क्या होता है, आगे वाले में देख लो आप, 0.62 माइनस 0.0291 लॉग ऑफ 100 का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर 2। आप सॉल्व करते रहो भाई नोटबुक में, 10 रेज टू द पावर 2, तो यहां पे आ जाएगा आपका E cell equal 0.1, तो इसको हम लिख सकते हैं log 10 कितना होता है, log 10 होता है 1, तो ये आ गया आपका 0.62 माइनस 0.291 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 0.0591। ये आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा E cell के, इतना पोटेंशियल आपको मिलेगा। सॉल्व करते हैं तो ये आएगा भाई 0.0591, यहाँ 9, यहाँ 0, यहाँ आ गया 6 आपका, यहाँ 5, तो ये आया 0.5609। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना था, 0.62। ई सेल कितना आया, 0.5609। किन कॉन्सेंट्रेशंस पे आया, इन कॉन्सेंट्रेशंस पे आया। तो जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज की तो आप देखो ई सेल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, यही सिग्निफिकेंस है नर्स्ट इक्वेशन का। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, एक ये वाला क्वेश्चन डाल देता हूं, दो तीन क्वेश्चन और डाल दूंगा, आप उनको, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच।